जो भी लोग देख रहे हैं जो हेयर ट्रम करवाना चाहते हैं उनके मन में दो तरीके का डर है। बॉल्डनेस को डिवाइड किया जाता है ग्रेड में, 25 से लेके 30 में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बॉल्ड हो रहे हैं। ज़्यादा करके माताएं मुझे पूछते हैं कि आप हमारे ब्रेन में घुस के तो नहीं इंजेक्शन दोगे सर? और जो 6th ग्रेड का बाल्डनेस है और थोड़े बहुत इनके लाइक एग्जिस्टिंग अभी मुझे दिख रहा है, yes. तो इनमें लाइक ग्राफ्टिंग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे पूरी इंडिया में पूरी वर्ल्ड में एडवांस्ड FUE हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि मैं अपने हेयर ट्रांसफर जर्नी के साथ साथ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे भैया हैं, जो भी मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, इन सब की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। सो फाइनली अभी मैं आया हूँ मुंबई फ्यूजन एस्थेटिक क्लिनिक में। मेरे भैया है मेरे साथ में एंड इनको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना था। हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनके मन में कन्फ्यूजन थे कि लाइक मैं कैसे करवाऊँ, क्या करवाऊँ, एंड काफ़ी ज़्यादा डर भी था। सो इन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तू आएगा ना तब तक मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। एंड सो फाइनली मैं मुंबई में आ चुका हूँ एंड अभी मैं बैठा हूँ डॉक्टर प्रणील मौर्य के साथ में, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, हेड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है फ्यूजन एस्थेटिक क्लिनिक में। इनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, इनकी जो कंडीशन है उस कंडीशन के ऊपर कि लाइक जब भी हम इनका हेयर ट्रांसफर करवाते हैं यहाँ से तो इनका रिजल्ट कैसा आ सकता है, बाल्डनेस ग्रेड क्या है और किस तरीके से किस टेक्निक से हेयर ट्रांसफर करवाएंगे कि इनका जो है रिजल्ट बेस्ट है। क्योंकि देखो पैसे जितने लग रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता, बट जो पैसे लग रहे हैं उसका वर्थ होना बहुत जरूरी है, रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। और हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी तरफ, जो भी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। सर मेरे भैया हैं, पहली बात तो कि आपको पता होगा मैंने अपना हेयर ट्रांसफर करवाया हुआ है, लेकिन अब इनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, उनको मुंबई में ही करवाना था बेसिकली। तो इनका हम ट्रांसप्लांट लाइक किस तरीके से क्या प्लान कर सकते हैं, कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं, थोड़ा सा मुझे डिटेल बताएंगे तो बेटर। हाँ, यूजुअली मैं ये उनको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा, उनका एज 27 है और अभी उनको ग्रेड 6 का बॉल्डनेस है। बॉल्डनेस को डिवाइड किया जाता है ग्रेड में, तो ये बहुत कॉमन है इनके एज में, 25 से लेके 30 में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बॉल्ड हो रहे हैं। और अभी क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है तो हम उसका इस्तेमाल करके यंग दिखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली सर, और जो 6th ग्रेड का बाल्डनेस है और थोड़े बहुत इनके लाइक एग्जिस्टिंग अभी मुझे दिख रहे हैं, yes. तो इनमें लाइक ग्राफ्टिंग क्या कर yes. आगे से देखा जाए तो इनको एरिया 2, 3, 4 जैसे आगे से है वो तो पूरा ही खाली है। कुछ जगह पीछे की तरफ दिख रही है, वहाँ पे कुछ बाल, कुछ फॉलिकल्स है अभी भी। हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हमारा काम उगाना है, सो हम उसे डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हम बल्कि उसको देख के अच्छी तरीके से, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से करते हैं, जो हम बताएंगे आपको सर्जरी के टाइम पे कैसे हम देख के उसमें स्लिट्स या होल करते हैं, उसको बचाकर उसके साइड साइड से होल करेंगे, ताकि मानो कि आपके पास इतने बाल हैं, हम और बाल उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और सर टेक्निक कौन सा बेस्ट होगा यहाँ? यस, इनके लिए हम बायो FUE टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, जो कि नो रूट टच टेक्निक, यानी कि रूट को बिना टच किए हुए फोर्सेप की हेल्प से हम उसमें इम्प्लांट करते हैं। ठीक है सर, मान लो यहाँ हम ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो एक सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है इनके मन में भी होगा, मेरे मन में भी है और घर वाले भी लगे अक्सर कहते हैं कि भाई मान ले तू वहाँ भी तो जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा? तो मान लो हम यहाँ से ट्रांसफर करवाते हैं, जो रिजल्ट है लाइक वो हम किस तरीके से आशा करके चले कि हाँ ऐसा कुछ रहे? यस, ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है और हर इंसान, चाहे भाई हो, माँ बाप, माँ पिताजी हो, सब लोग पूछते हैं कि कब आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, ये सबसे मेन मैटर करता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि हर पेशेंट अलग है, कुछ पेशेंट को जल्दी आता है, कुछ पेशेंट को थोड़ा लेट रिजल्ट आता है, तो उस हिसाब से हम कह के चलते हैं कि 6 से 8 महीने पकड़ के चलो हमें रिजल्ट आने के लिए। 1 महीने के बाद आपका शेडिंग यानी कि बाल झड़ना शुरू जाते, कुछ आते कुछ जाते, कुछ आते कुछ जाते, ऐसा 4, 4.5 महीने तक चलता है। 5th मंथ से थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, थोड़े थोड़े बाल छोटे छोटे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, तब थोड़ा हमें अच्छा लगने लगता है। और 6 से 8 महीने बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को 6 महीने में रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोगों को 8, पूरा रिजल्ट आने में एक्चुअली में 1 साल भी लग सकता है, मतलब 12 महीने में पूरा रिजल्ट आ जाता है। सर ये जो सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये है और जो भी लोग देख रहे हैं जो हेयर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उनके मन में दो तरीके का डर है। पहला तो डर ये है कि जब हम हेयर ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उससे क्या हमारे ब्रेन पे या कैंसर ऐसा कुछ हो सकता है? ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ लोगों की माताएं, ज़्यादा करके माताएं मुझे पूछते हैं कि आप हमारे ब्रेन में घुस के तो नहीं इंजेक्शन दोगे? सही। तो हम हमेशा ये कहना चाहते हैं, स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स है, उसके नीचे ये बोन है, तो हम बोन तक भी नहीं पहुँच रहे, हम स्किन में ही उसको नम करके यानी कि सुन करने की दवा दे के लोकल एनेस्थेशिया, एनेस्थेशिया में भी दो प्रकार है, लोकल जनरल, जनरल यानी कि आप बेहोश रहते, लोकल जहाँ से निकालने हैं, जहाँ पे डालने, बस उसी जगह को सुन किया जाएगा और कुछ वक्त तक ही वो सुन रहेगा,
तो उसी में सुन करके हम इनकी सर्जरी करेंगे। और सर दूसरा जो सबसे बड़ा लाइक ये मुझसे कह भी रहते हैं कि स्वेलिंग का क्या कहते हैं। तो 10 में से 2 पेशेंट का ज़्यादा चांसेस होता है कि स्वेलिंग हो। हम उसके लिए भी उपाय बताते हैं, उसके लिए भी पहले से दवाई दे के रखते हैं, फिर भी स्वेलिंग आ सकती है, पर वो 3 से 4 दिन में चली जाती है आहिस्ते आहिस्ते। पहले माथे पर आती है, फिर आँखों पर आती है, फिर वो यहाँ से नीचे जाके डिजोल्व हो जाती है। उस बीच हम बहुत सारा पानी पीने कहते हैं, अगर सूजन आ रही है तो वहाँ जिस जगह पे सूजन आ रही है वहाँ पे आइस लगाने कहते हैं, जितना चल सके उतने चलने कहते हैं आजू बाजू के एरिया में, घर से बाहर नहीं, आजू बाजू के एरिया में चलने को, ताकि आपका स्वेलिंग जल्दी कम हो जाए। और सर लाइक मान लो स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट हो भी जाता है प्रॉपर, हम हेड वॉश वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन एक जो जो चीज़ परेशान करेगी, क्योंकि भैया लाइक जॉब में है अभी, तो वो है मेडिसिन का, और थोड़ा इनका ट्रैवल का भी रहता है, तो हमें मेडिसिन कितना लेना पड़ेगा और कैसे लेना पड़ेगा, कितने मंथ तक लेना पड़ेगा? यूजुअली आपको 5 to 6 मंथ्स के लिए हम लोग मेडिसिन देंगे, उसमें 5 महीने तक गोलियाँ चलेंगी और मिनोक्सिडिल चलेगा, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम गोलियां बंद कर देंगे और मिनोक्सिडिल रात को लगाना होगा एक बार। तो मतलब जब आप सोने जाओगे रात को तब एक बार मिनोक्सिडिल लगा के सोया करो, मेंटेनेंस के लिए वो अच्छा रहेगा, इनके बाल नए बालों को भी और जो अभी एग्जिस्टिंग बाल है, जैसे आपने पूछा कि सर उनका क्या, तो हम उनके बारे में भी सोचेंगे। वो जो एग्जिस्टिंग है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, उल्टा उनको ग्रो करने की हम कोशिश करेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट में टोटल टाइम कितना है, मतलब मान चल सकते हैं कितने घंटे लगेगा? यूजुअली इनका 2 दिन सर्जरी चलेगा, ठीक है, 8 to 9 आवर्स यूजुअली लगते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने में हमें, उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया है इनके साथ और हम इनको बुलाने वाले हैं। मतलब एक दिन में जो है, सॉरी एक दिन में हाफ अप करके, हाफ अप करके सर्जरी करने का ट्राई करें। और सर ओवरऑल अभी जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई डरने की या कुछ जरूरत का नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है, बट फिर भी लाइक भैया और इनको थोड़ा सा ऐसा नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, ये डे केयर सर्जरी है। यूजुअली जब भी बड़ी सर्जरी होती है, ये बहुत एडवांस लेवल पर सर्जरी हो रही है अभी हमारे यहाँ पे पूरी इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में एडवांस्ड FUE हो रहा है, जिसे हम बायो FUE कहते हैं। इसमें हम आपके कम से कम रिस्क में सर्जरी करना चाह रहे। देखिए जो भी बड़ी सर्जरीज होती है आप देखोगे कि उसमें एडमिट होना पड़ता है 1 या 2 दिन के लिए, हम इन्हें उसी दिन घर भेज रहे, तो इसका मतलब ये पूरे होशोहवास में और अच्छे से खा पी के घर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप सो कि जो भी आपके मन में डाउट होगा, लाइक जब भी आपने हेयर ट्रांस करवाना जा रहे हो या हेयर ट्रांस करना सर्च कर रहे हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट सारे होंगे, तो इन सारे जो भी डाउट थे, भैया कोई और डाउट है आपका? मतलब सारे डाउट हमारे क्लियर हो चुके हैं, एंड जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, इनकी पूरी जर्नी जो है आपको इस चैनल पर मिलेगी, दैन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि आने वाली जो वीडियोज होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, और मेरे जो डाउट थे वो सब खत्म हो चुके हैं, अभी सर के साथ में हूँ, लाइक अभी 2-3 दिन तो हमें आना ही है, तो जो भी आपके मन में डाउट होगा आप क्वेश्चन लाइक कमेंट कर सकते हो, तो मैं सर से एक बार बात करके उसका भी आंसर आप लोगों के तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।